मैं हूँ मीनाक्षी कंडवाल और आप देख रहे हैं प्रश्नकाल। अपने इस वीकली शो में इस बार की बड़ी पॉलिटिकल स्टोरी के फोकस में है पीएम मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। प्रश्नकाल में आज सबसे बड़ा प्रश्न जो 2024 के चुनाव नतीजों और उसके आगे की राजनीति की चाल सेट करेगा, क्या बीजेपी के भीतर बड़े लेवल पर सीएम योगी को लेकर वाकई कुछ चल रहा है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी के भीतर झगड़ा डलवाने के लिए अरविंद केजरीवाल ने शिगुफा छेड़ दिया हो। अगर केजरीवाल ने शिगुफा छेड़ा है तो फिर उस शिगुफे पर राजनाथ सिंह से लेकर अमित शाह तक बीजेपी के बड़े बड़े नेता आखिर सफाई क्यों देते फिर रहे हैं, और सफाई भी दे रहे हैं तो सिर्फ पीएम मोदी के ही आगे भी बने रहने की सफाई क्यों दे रहे हैं, उनको 2029 में भी पीएम मोदी के ही पीएम बनने की बात क्यों कहनी पड़ रही है। मेरी बात आप सुन लो, आप इस समय मैं भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता होने के नाते मैं कहना चाहता हूं कि 2024 में भी वो भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे और 2029 में भी वो भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। तो देखा आपने, जो बात गलियों, नुक्कड़ों, चाय की दुकान या पान की दुकान की चर्चाओं में हो सकती थी, वो बीजेपी के हैवी वेट नेताओं की बदौलत चर्चाओं और अटकलों की मुख्य धारा में आ गई। लेकिन प्रश्न तो बीजेपी के कद्दावर नेता और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के इस डिफेंस से भी निकलते हैं। जब वो पीएम मोदी की 2029 में पीएम बनने की बात कर रहे हैं तो फिर योगी आदित्यनाथ को निकट भविष्य में यूपी के सीएम की कुर्सी से हटाए जाने की बात का जवाब आखिर वो क्यों नहीं दे रहे। अगर ये बीजेपी के विरोधियों की सियासी पैतरेबाजी है जैसा कि बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है, तो बीजेपी के बड़े नेता उसे मजबूती के साथ रिजेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। ऐसे तमाम सवालों की जड़ में है दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल, जो कि अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद से लगातार एक ही बात अलग अलग अंदाज में दोहराए जा रहे हैं। दिल्ली के चुनावी कैंपेन में जब गृहमंत्री अमित शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी कैंडिडेट्स के लिए अलग अलग जनसभाएं की और केजरीवाल को टारगेट किया, तो इसके अगले दिन यानी मंगलवार 21 मई को सुबह सवेरे करीब 11 बजे अरविंद केजरीवाल मीडिया के सामने प्रकट हुए और फिर वही शगुफा अलग अंदाज में छेड़ दिया, जिसने बीजेपी के भीतर मोदी और योगी समर्थकों के बीच एक नई हलचल मचा दी है। प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी आपको यूपी की कुर्सी से हटाने का पूरा प्लान बना चुके हैं। चलिए एक पल के लिए ये भी भूल जाते हैं कि तिहाड़ जेल से अंतरिम जमानत पर छूटने के बाद दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने पीएम मोदी और सीएम योगी को लेकर जो कुछ कहा वो बकवास है। ये भी भूल जाते हैं कि मोदी जी अपनी ही तय की हुई 75 बरस की उम्र की लक्ष्मण रेखा को खुद ही तोड़ देंगे। ये भी भूल जाते हैं कि मोदी निकट भविष्य में पीएम की कुर्सी योगी के बजाय अमित शाह को ही सौंपेंगे। चलिए भूल जाते हैं, मान लेते हैं कि केजरीवाल की बात सियासी शगुफा है, वो बीजेपी के भीतर पावर के लिए बड़ा झगड़ा डलवाना चाहते हैं। लेकिन जनाब, अगर योगी को हटाने की बात केजरीवाल का सियासी शगुफा है, तो फिर गृह मंत्री अमित शाह के नजदीकी माने जाने वाले यूपी में बीजेपी के कद्दावर नेता बृजभूषण शरण सिंह टीवी कैमरों के सामने योगी को नेता मानने को तैयार क्यों नहीं है? आपका नेता कौन है? हमारे नेता मोदी जी हैं। तो योगी जी नहीं है, हमारे मुख्यमंत्री हैं। योगी जी नेता किसको मानते हैं? योगी जी क्या है? हमारे नेता मोदी जी हैं। मोदी जी अभी भी आपके नेता हैं? नेता हैं। देखिए मैं योगी जी अभी भी आपके नेता हैं? मोदी जी हैं। मोदी जी हैं। तो यूपी में बीजेपी के दबंग और कॉन्ट्रोवर्शियल नेता बृजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं कि हमारे नेता मोदी जी हैं, योगी जी हमारे सीएम हैं। उनसे पूछा गया कि क्या योगी जी अभी भी आपके नेता हैं, तो कह रहे हैं कि मोदी जी हैं। बाकी आपको जो समझना हो आप समझ लीजिए इसका क्या मतलब हुआ। क्या बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह सीएम योगी आदित्यनाथ को अपना नेता मानने को तैयार नहीं है? क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि योगी आदित्यनाथ की राह में कांटे बोए जा रहे हैं? क्या भविष्य में पीएम की दावेदारी के लिए योगी आदित्यनाथ की जड़ें काटने का काम चल रहा है और खुद भीतर के लोग उसमें पीछे नहीं है? आखिर योगी के बुलडोजर वाले दाव पर बीजेपी के ही भीतर से सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? मैंने सार्वजनिक मंच से बोला था कि बुलडोजर नेता का विरोधी हूं। यादों का गोरखपुर का एक प्रकरण था, मुझसे पूछा गया था, हमने कहा बुलडोजर नेता का विरोधी, घर बड़े मुश्किल से मिलता। बृजभूषण शरण सिंह को तो आपने सुन ही लिया, इतना जान लीजिए कि बृजभूषण शरण जो कह गए वो सामान्य बात नहीं है, उसमें एक बड़ा मैसेज है, एकदम क्लियर कट पॉलिटिकल मैसेजिंग है। लेकिन अब बृजभूषण शरण का जो बयान मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ,
वो तो गलती से कहा गया बयान हो, ऐसा कतई नहीं हो सकता। इस बयान को पहले आप गौर से सुनिए और फिर उन्हें केजरीवाल की कही बातों के बैकग्राउंडर में समझिए, सारी कहानी आपको पता चल जाएगी। जो करण भूषण सिंह को अपना आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय एके शर्मा जी का स्वागत और अभिनंदन करता है। तो उत्तर प्रदेश के सीएम, मुख्यमंत्री और उसके बाद एक लंबा पॉज, माननीय एके शर्मा जी। क्या आपको लगता है कि बृजभूषण शरण सिंह गलती से ऐसा कह गए हो? क्या आपको अब भी लगता है कि बृजभूषण शरण सिंह को सीएम कौन है और एके शर्मा कौन है ये याद नहीं रहा होगा? क्या आपको नहीं लगता कि एके शर्मा को यशस्वी सीएम कहकर बृजभूषण कोई खेल कर गए हैं? मैं फिर कह रही हूं कि ये कतई सामान्य बात नहीं है, ये मैसेजिंग सामान्य नहीं है। खुले मंच से उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री के रूप में जिन एके शर्मा का नाम बृजभूषण ने लिया, पता है वो कौन है? वो यूपी के ऊर्जा और नगर विकास मंत्री हैं, उनका पूरा नाम है अरविंदर कुमार शर्मा और वो दिल्ली की पसंद है। एके शर्मा पीएम मोदी की पसंद और उनके भरोसेमंद है। गुजरात कैडर के आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं। जब नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम थे तो एके शर्मा 2001 से 2014 तक लगभग 13 साल सीएम मोदी के सेक्रेटरी रहे। 2014 में जब मोदी पीएम बने तो एके शर्मा को भी गुजरात से दिल्ली ले आए। एके शर्मा 2014 से 2020 तक पीएमओ में जॉइंट सेक्रेटरी से लेकर एडिशनल सेक्रेटरी तक रहे। अरविंद कुमार शर्मा को नौकरी से वीआरएस दिलवाकर जनवरी 2021 में लखनऊ में बीजेपी की सदस्यता दिलाई गई। पीएम मोदी की पसंद होने की वजह से उन्हें सीधे यूपी में एमएलसी बना दिया गया और बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया। तब चर्चाएं थी कि शायद दिल्ली दरबार के कहने पर एके शर्मा को योगी मंत्रिमंडल में कोई अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ ने हाईकमान की पसंद एके शर्मा को ज्यादा भाव नहीं दिया। वो योगी की पहली पारी में मन महसूस कर रह गए और महज एमएलसी बनकर रह गए। वैसे एके शर्मा को पीएमओ से यूपी भेजे जाने के फैसले के पीछे यही माना जा रहा था कि यूपी में बीजेपी के भीतर एक नया पावर सेंटर तैयार करके सीएम योगी आदित्यनाथ की घेराबंदी की जा रही है। लखनऊ के सियासी हलके में और मीडिया वालों के बीच भी यही बात कही और सुनी जाती रही कि डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहले ही दिल्ली वालों के मिशन योगी में लगे हुए थे। लेकिन 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में जब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य चुनाव हार गए तो न सिर्फ उनकी रेटिंग गिर गई बल्कि उनका कॉन्फिडेंस भी गड़बड़ा गया। राजनीति के जानकार कई लोग तो दबी जुबान में यह भी कहते आए हैं कि केशव प्रसाद मौर्य योगी से पंगा लेने के चक्कर में चुनाव में निपटा दिए गए। इसमें जो भी सच्चाई हो, लेकिन यह भी सच है कि केशव प्रसाद मौर्य क्योंकि दिल्ली की पसंद थे लिहाजा उन्हें चुनाव हारने के बावजूद सरकार में शामिल कर लिया गया, फिर से डिप्टी सीएम बनाया गया, उन्हें दूसरे दरवाजे से विधानमंडल में पहुंचाया गया। वो विधायक तो नहीं बन पाए लेकिन पार्टी ने उन्हें एमएलसी बना दिया। अब केशव प्रसाद मौर्य दूसरी पारी में सीएम योगी के लिए अंदर खाने कोई परेशानी खड़ी कर पा रहे हैं या नहीं, इसके बारे में अलग अलग तरह की बातें होती रहती हैं। लेकिन जो एके शर्मा दिल्ली दरबार से बड़ी धूमधाम से यूपी पहुंचाए गए थे, दिल्ली की उस बिसात पर योगी आदित्यनाथ को सरेंडर करना ही पड़ा। यूपी में 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद जब फिर से योगी सरकार बनी तो अपनी दूसरी पारी में उन्हें पीएम मोदी की पसंद पूर्व आईएएस ऑफिसर एके शर्मा को अपनी कैबिनेट में शामिल करना पड़ा। एके शर्मा को न सिर्फ मंत्रिमंडल में शामिल किया गया बल्कि उन्हें शहरी विकास मंत्री और ऊर्जा मंत्री जैसे दबदबे वाले मंत्रालय भी सौंपे गए। लेकिन अब ज्यों ज्यों लोकसभा चुनाव अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा है, बीजेपी के भीतर सत्ता संघर्ष की ये बातें बाहर आ रही हैं और इसे हवा दी है अरविंद केजरीवाल ने कि ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी मोदी जी अपने लिए वोट नहीं, अमित शाह जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। दूसरी बात, योगी आदित्यनाथ जी को अगर ये लोग जीत गए तो योगी आदित्यनाथ जी को 2 से 3 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश के सीएम पद से हटा दिया जाएगा। केजरीवाल ने भले ही शिगुफा छेड़ा हो लेकिन उन्होंने एक डिस्कोर्स तो खड़ा कर ही दिया है, एक पॉइंट तो दे ही दिया है। पीएम मोदी ने खुद 75 साल के बाद रिटायरमेंट वाली जो एक लकीर खींची थी, अब बारी उस पर अमल करने की है। नंबर अब उनका है, सारा खेल उसके बाद का है। मोदी का उत्तराधिकारी कौन, अमित शाह या योगी आदित्यनाथ? पर वो मतलब दिन में कम से कम 3 बयान आते हैं केजरीवाल जी से और उन्होंने इंडिया अलायंस का नैरेटिव
कब्जा कर लिया, क्योंकि वो कहते हैं पहले कि प्रधानमंत्री फुल टर्म नहीं रहेंगे, तो मोदी की गारंटी नहीं, वो अमित शाह जी की गारंटी बन जाएगी क्योंकि कमान आप संभालेंगे। चलिए, आप इतने सीरियसली ले रहे हैं, वो सिर्फ 22 सीट लड़ रहे हैं देश में, इतना सीरियसली मत लीजिए, सिर्फ 22 सीट लड़ रहे हैं। और मैं कई बार स्पष्ट कर चुका हूं, फिर से स्पष्ट करना चाहता हूं, 29 तक मोदी जी ही रहेंगे और केजरीवाल आपके लिए कोई अच्छा समाचार नहीं है, 29 के बाद भी मोदी जी ही हमारे चुनाव अभियानों का नेता है, उनके नेतृत्व में ही हम चुनाव। तो गृहमंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि केजरीवाल को सीरियसली मत लीजिए और खुद केजरीवाल की शिगुफे पर उन्हें सफाई भी देनी पड़ रही है। जिस नेता को वो सीरियसली नहीं लेने की बात कह रहे हैं उसकी कही बात पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी सफाई देनी पड़ रही है। खुद योगी आदित्यनाथ को चुनावी रैली में कहना पड़ा कि केजरीवाल अपनी फिक्र करे। जब व्यक्ति जेल में जाता है ना उसकी बुद्धि भी पलट जाती है, और ऐसे ही आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बुद्धि भी भ्रम में पड़ गई है। वो जेल क्या गए कि जेल में जाकर के उनको ये लगता है कि अब जेल के बाहर कभी नहीं आना है, तो अब उनको मुख्यमंत्री पद का इतना लालच हो गया है कि वह अपनी बात को मुझ मेरे साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आप अगर मेरे वीकली शो प्रश्नकाल के रेगुलर व्यूअर्स हैं तो आपका ध्यान गया होगा, साल 2023 में जब 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजे आए थे तब शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे सिंधिया का जो सियासी हश्र हुआ था, तभी हमने सबसे पहले प्रश्नकाल में ये सवाल उठाया था कि क्या अब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का ही नंबर है। उसके बाद जब 2024 के लोकसभा चुनाव का पहला चरण चल रहा था और पश्चिमी यूपी में बीजेपी के खिलाफ राजपूतों में खुलकर नाराजगी दिखाई दे रही थी, तब भी हमने प्रश्नकाल में आपको बताया था कि योगी आदित्यनाथ को लेकर बीजेपी के भीतर शायद सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। वैसे भी ये बातें कौन नहीं जानता कि 2017 में यूपी विधानसभा चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ अपने लिए मुख्यमंत्री का पद दिल्ली दरबार से छीन कर लाए थे, वरना तो सीएम पद पर पीएम मोदी की पसंद मनोज सिन्हा की ताजपोशी की पूरी तैयारियां थी। 17 के चुनाव नतीजे आने के बाद जिस तरह मनोज सिन्हा यूपी में मंदिर मंदिर घूम रहे थे उससे साफ पता चल रहा था कि उनके हाथ में बीजेपी सरकार की कमान आने वाली है। लेकिन यहीं पर योगी आदित्यनाथ ने भांजी मार ली, उन्होंने ऐसा दाव चला कि सब देखते रह गए। इसके बाद की कहानी तो आप जानते ही है, इसीलिए चाहे पब्लिकली कुछ भी कहना पड़े, योगी आदित्यनाथ भविष्य में पीएम पद की उम्मीदवारी के लिए इस समय की बीजेपी की टॉप लीडरशिप की स्वाभाविक पसंद तो नहीं हो सकते, इसीलिए मोदी के बाद कौन, इन अटकलों का बाजार अभी और गर्म रहेगा। अमित शाह और योगी आदित्यनाथ आप क्या सोचते हैं, अपनी राय फीडबैक में कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। प्रश्नकाल का एपिसोड अगर आपको पसंद आया हो तो बाकी फैमिली मेंबर्स के साथ भी शेयर करिएगा, हमारे न्यूज़ बीट्स के परिवार को बढ़ाने में हमारी हेल्प करिएगा। बहुत धन्यवाद।